हिंड के पत्रकार संदीप शर्मा की मौत के बाद एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सीएम शिवराज ने लगे हाथों सीबीआई जांच कराने का ऐलान भी कर दिया। पत्रकार संदीप शर्मा की मौत बीते सोमवार को सड़क हादसे में हो गई थी। हालांकि वीडियो में यह साफ लग रहा था कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि एक साजिश नजर आ रही है। गौरतलब है कि पत्रकार संदीप शर्मा ने पिछले दिनों एसडीओपी का स्टिंग ऑपरेशन कर पुलिस और रेत माफिया के बीच सांठगांठ का मामला उजागर किया था। इसके बाद से ही संदीप को लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस महकमा सोता रहा। हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाते हैं जिसे संदीप ने बेखौफ होकर बड़ी ही बहादुरी के साथ अंजाम दिया था। वहाँ से क्या है कि जो लोग ट्रैक्टरों से वहाँ इकट्ठा करते हैं, इन लोगों से जैसे अंदर पुरा के कुछ लोग हैं, चोमो के कुछ लोग हैं, तो साहब क्या है वहाँ से हमको नहीं लाना है, वो लोग पलटी करके दे देंगे। ठीक है, अब आप साहब जो भी आदेश करें हमारे लोग, जैसे साहब गेटे तो यूपी जाएंगे। ठीक है, असल में क्या है साहब, इस लाइन पर हम पहली बार जा रहे हैं। मतलब ये है कि मैं जब भी निकलूंगा चेक नहीं करता हूँ, तुम्हारा नाम नंबर भी कोई गाड़ी को टच नहीं करें, पहले साहब हमारी गाड़ी ये लास्ट साइड से ही चली गई। तो सब पैसे साहब भाई साहब को ही दे दें, पैसे हम दे देंगे। असल में साहब हमने इस प्रकार की बात कभी किसी से की नहीं है। एक तारीख क्या कौन सू है हमको तो समझाया जाता है। अरे साहब तुम्हें गिन लें कि आती तो हमें लगी सारी नोट से लगती है भाई साहब। आओ तो साहब जी आपके 2500 पहुँच गए, 500 खल और 2000 दिए। अच्छा आप ये बताओ कि आओ तो साहब जी आपके 2500 पहुँच गए, 500 खल और 2000 दिए। अच्छा आप ये बताओ कि आओ संदीप जैसे होनहार पत्रकार की मौत के बाद जब सिंधिया ने शिवराज को घेरा, तब जाकर सीएम साहब की नींद खुली और लगे हाथों सीएम शिवराज ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भिंड।